चाहिए क्यों हमारी बॉडी को। आजकल हम सभी जो है हेल्थ फ्रीक हो गए हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग घर पे वर्कआउट करते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखते हैं, अपनी हेल्थ को जो है क्या हम पूरी डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट क्या हम ले रहे हैं, और अगर हम ले भी रहे हैं तो कैसी डाइट ले रहे हैं, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी कि हमें एक तो विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत क्यों है। हमें विटामिन्स 13 विटामिन और 11 मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को रोज के लिए चाहिए, और ये हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी देते हैं, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है, हमारी विजन के लिए, हमारी नर्वस सिस्टम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इन विटामिन्स की हमें रोज जरूरत पड़ती है। और ये विटामिन्स हम लेते कहाँ से हैं, ये विटामिन्स हम जो है वेजिस और फ्रूट से लेते हैं। अब जो फ्रूट्स और विटामिन जो फ्रूट्स और वेजिस हम ले रहे हैं वो हम मार्केट से ला रहे हैं। ठीक है, मार्केट से ला रहे हैं वो, ठीक है, हम मार्केट से ही लाएंगे। क्या हम जो विटामिन्स मतलब जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास फ्रूट और सब्जी आते आते कितने दिन लग जाते हैं, जब वो खेतों में उगते हैं, फिर उनको कितने दिन तक स्टोर किया जाता है, कितने उनपे पहले उनपे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाले जाते हैं निकलने, उसको उसके बाद में उसको स्टोर करने के लिए उसको कितना जो है उसको केमिकल से रखा जाता है। तो क्या वो जो हमारे पास सब्जी, हमारे पास फ्रूट्स आ रहे हैं वो सब जो है केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, इसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, और हम जो ये जो हम खा रहे हैं विटामिन्स वेजिटेबल्स, अब ये एप्पल देख रहे होंगे आप, ये एप्पल के ऊपर आप देखेंगे कितनी सारी मोम है, तो क्या हम एप्पल जो खाते हैं वो हमारे लिए सेफ है? बिल्कुल नहीं है। हम इतने सारे जो है विटामिन ये जो ले रहे हैं, जो वेजिस जो हमारी मिट्टी में उग रही है, जो आज की बात करें तो जिस खेत में साल में 3 बार खेती होती थी, ठीक है, 1 बार अनाज उगता था, 3 बार अनाज उगता था, अब उस खेत में 9 से 10 बार उसी खेत में जो है खेती हो रही है। अब उस मिट्टी की क्वालिटी क्या रह गई, उसमें कितने सारे केमिकल्स डले, कितने सारे पेस्टिसाइड्स डले, जो कि हमारी बॉडी के लिए कितने जहरीले पदार्थ जो है हमारी बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, आजकल हम फास्ट फूड बहुत ले रहे हैं, पैदावार अच्छी नहीं है, फास्ट फूड बहुत जाता है हमारी बॉडी में, तो क्या हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है? तो मैं बात करना चाहूंगी न्यूट्रीलाइट डेली की, जिसमें कि 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। इसमें 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और ये जो है न्यूट्रीलाइट जो है सर्टिफाइड फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है इसका प्रॉपर C2 हमारी बॉटल्स तक जो है सारी सेफ होती है। ठीक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये RDSA रेकमेंडेड है, RDSA सर्टिफाइड है, और हमें जो है इम्यूनिटी पर देता है, और इसमें हमें सारे के सारे जो है विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, चेरी है, पार्सले है, स्पिनच है, अल्फा अल्फा है, कैरेट है, और ये वाटर ग्रास है। मैं आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। ये है हमारी न्यूट्रीलाइट की डेली जिसकी मैं बात कर रही थी, इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। ये दो पैकिंग्स आती हैं, ये वन इसमें 120 टेबलेट होती है और इसमें 60 टेबलेट्स होती है। मैं डेमो आपको करके दिखाती हूँ कि हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। ये मैंने एक ग्लास लिया एज अ बॉडी कर रही हूँ मैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो ये मान लीजिए एक बॉडी है,
कि मैं आपको दो बॉडी दिखा रही हूँ, जो एक तो न्यूट्रलाइट ले रही है, दूसरी नहीं, न्यूट्रलाइट नहीं ले रही। इसमें ये बीटाडीन एज अ केमिकल मैं इसमें डाल रही हूँ। ये दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक न्यूट्रलाइट लेती है और एक नहीं लेती। अब देखिए न्यूट्रलाइट लेने वाले का क्या है और न्यूट्रलाइट नहीं लेने वाले का। ये कुछ इस टाइप से गोली आती है और इस एक गोली से ही, अगर मैं आप आपसे बात करूं कि आप मार्केट में जाकर के जूस पीते हैं, जूस पीने जा रहे हैं और जूस में आपको कितने विटामिन्स मिल जाएंगे, कितने मिनरल, अगर आप मिक्स फ्रूट जूस भी पियेंगे ना तो उसमें आपको जो है 5 से 6 फ्रूट्स का जो है जूस मिलेगा, और वेजिस का भी लेंगे तो आपको 2 से 3 वेजिस ही उसमें मिलती है जूस में। अब आपको इसमें जो है 25 विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? सेमी नाइफ देना थोड़ा। ये दोनों बॉडीज आपके सामने है और आपके सामने इनको फर्क दिख रहा होगा। एक टेबलेट से हमें इम्यूनिटी मिल रही है, हमें विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं और हमारी बॉडी को जो है, देखिए आप किस तरीके से ये सेफ है हमारे लिए। तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें न्यूट्रलाइट लेना चाहिए। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप जूस भी पिए, फ्रूट भी लें, लेकिन ये न्यूट्रलाइट की जो एक डोज है ना वो रोज ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।